नया टॉपिक है डायमेंशंस, ठीक है। आज हम लोग डायमेंशंस के साथ चलेंगे और इस टॉपिक को देखेंगे, काफी शानदार टॉपिक है। और क्यों हम लोग डायमेंशंस पढ़ते हैं, और इससे पहले हमने वर्ब पे इतना टाइम क्यों दिया, ठीक है, उससे पहले वर्ब सेक्शन पे इतना टाइम हमने क्यों दिया, इस चीज को हम देखेंगे। तो आ जाइए और इस सेशन को ध्यान से समझेंगे, और ध्यान से समझेंगे भी हम लोग, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। गुड इवनिंग, चलिए आज का जो सेशन रहेगा वो डायमेंशंस है, और डायमेंशंस में क्लियर नहीं दिख रहा, क्लैरिटी का प्रॉब्लम है सर, मेरे लिए और समझ में परिणाम स्वीकार करें। सर बताए क्लैरिटी के बारे में बताइए, क्लैरिटी सही है, एक बच्चे ने बोला कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, सर आप लोग बताइए कि क्लैरिटी के बारे में बताइए, ये क्लैरिटी क्या है, सही ना, वीडियो क्लैरिटी, वीडियो प्रॉब्लम है, सही है, क्लियर नहीं दिख रहा, यस ब्लर हो रहा आज भी, सेम प्रॉब्लम है। देखिए भाई क्यों ऐसा हो रहा है, कल से ही ऐसा प्रॉब्लम शुरू है, क्यों ऐसा हो रहा है, देखें अब देखें, अब दिख रहा है भाई, अब तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कैमरा प्रॉब्लम है, फोकस सही से नहीं कर रहा है। अच्छा अब जरा देखो तो सही लग रहा है, अब देखो तो, अब जरा देख लो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब आपको बताना है कि क्लियर है या नहीं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस, अब आपको बताना है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा, टॉपिक है अपन का टाइम एंड टेंस, ठीक है, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, जरा बताइए दिख रहा है या नहीं, ब्राइट ज़्यादा अभी थोड़ा ठीक रहा, सही है, चलिए अब तो दिख रहा होगा, सही है। और आज की क्लास अटेंडेंस भी देख लो साथ में, और आज की क्लास अटेंडेंस भी हमारी साथ में देख लो भाई, मैं अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, क्लास अटेंडेंस आज हम लोग बहुत है, सही है, 404901 कितनी क्लास अटेंडेंस है आज, ठीक है, नए टॉपिक से ब्राइटनेस कम कर दीजिए, क्या ब्राइट है, क्या ब्राइटनेस कम कर दीजिए, क्या देखो मैं भी कितना ब्राइटनेस कितना कम किया जाए, ब्राइटनेस कम की बात कर रहा है भाई, देखो तो समझ में नहीं आता, सो क्लास वीडियो ब्राइटनेस देख लो भाई, ब्राइटनेस तो ठीक है भाई, मैं भी देख रहा हूँ, देखो अपने अभी अपने मोबाइल में देख रहा हूँ, ठीक है, चलिए पढ़ाओ सर, सब सही है, ओके भाई धन्यवाद, मैं भी वीडियो देखते रहूँगा। चलिए आज हम लोग काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आए, सही है, और देखिए आज हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, टॉपिक शुरू किया हमने पहले सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद हमने सारी सही ना जो भी आपका ग्रामर का जिस्ट है जिसके वजह से बच्चों को दिक्कत होती है मिसलेनियस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और मैंने चैप्टर पढ़ा वर्ड टाइम एंड टेंस पढ़ा सिंटैक्स पढ़ा कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो उसमें आपको सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पकड़ने में दिक्कत होता है, वो तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, सही है, उसका हमने अच्छा खासा आपको ब्रीच कोर्स करा दिया, ठीक है, ब्रीच कोर्स करा दिया, और ये जो आपका ना ठीक है ये ब्रीच कोर्स करने के बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ो, ठीक है, आपको सारा चैप्टर ऐसा लगेगा ये तो जान पहचानी चैप्टर है, ये तो सर ने पढ़ा दिया, ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी चाहे कोई चैप्टर पढ़ लो, तो टाइम एटेंस शुरू किया हमने, लेकिन इसकी नींव तो हमने रख दी थी कब, जब हमने वर्ड पढ़ाया और इतने क्वेश्चन हमने किए वर्ड के, तो उसकी जो फाउंडेशन है ना हमने वहीं रख दी थी, और उसके बाद जो हम लोग अब पढ़ेंगे जो भी चीजें आपको बता दें कि पूरा इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो चुका, अब हमारा स्पीड आप देखेंगे, जो बच्चे को डिमांड कर रहे थे सर स्पीड बढ़ाइए, सही है, दो ही टॉपिक हुआ है कैसे काम चलेगा, तो भाई उनके लिए ये स्पीड ही मत पूछो, अब आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है, याद हो गई टेंस, यस सर, तो अब बहुत आप लोगों को पता चलेगा कि बंदा है क्या, ठीक है, तो देखिए बंदा क्या है, आज हम शुरू करते हैं, चले बंदा से आपको पता चलेगा बंदा है क्या, तो टॉपिक हमारा टाइम एटेंस और शुरू हो जाते हैं, आज हम लोग ट्रांसलेशन भी साथ में ही करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन भी हम लोग साथ में ही करेंगे, देखिएगा बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़े हम लोग, तो ये रहा अपना का, अब तो जैसे ही चेंज किया थोड़ा बलर हो गया, बड़ा गुस्सा आता है यार, चेंज किया तो बलर हो गया, मैं देखा, ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है बच्चों को, ट्रांसलेशन भी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, टाइम एटेंस भी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद, ठीक है, अभी हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे, और अनुवाद की जरूरत क्यों है वो भी जान लेंगे, ठीक है, अनुवाद इसकी जरूरत, फिर बलर होगा, ठीक है, और नौ बलर होगा, ठीक है, सिक्स मिनट लेट है, कोई बात नहीं, जो लोग लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर ब्लर हो रहा है, दिक्कत करता है, परेशान हो जाते हैं हम लोग, ब्लर हो जाता है, बड़ा दिक्कत हो रहा है, अच्छा सुनील जी कह रहे हैं सर जैकेट ट्रांसफर, अच्छा तो ज़्यादा ही ब्लर हो जाता है, हमको सही करना करवाना पड़ेगा इसको सही से, ओके भाई सही हो जाओ, बहुत ब्लर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लर है, क्लास करने नहीं देगा इसे, ऐसे में क्लास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ ब्लर हो रहा है, कहाँ से सटी किसी कुछ आता है भाई, कुछ ज़्यादा ही ब्लर हो रहा है सर, ठीक कीजिए सही करवाइए सर, देख रहे हैं ब्लर तो बहुत हो रहा है, ये ब्लर का इशू कैसे ठीक होगा, ये नहीं है, ये कुछ और हो गया भाई, मैं तो कुछ अब दिख रहा है डार्क मोड में चला गया, नो परेशानी आज हो गया, फिर कैमरा बैक कीजिए थोड़ा, दिन भर का इंतजार बेकार हो गया गुरु जी, अच्छा बेकार नहीं होगा, ठीक है एक मिनट वेट करो, बेकार नहीं होगा, देख लेते हैं आपका दिन बेकार नहीं होने जा रहा है, सही है, अरे यार
सही कर रहा। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रजिस्ट्रेशन ऑफ कर दो। इस साल चमार मेरे को आईडिया नहीं है मेरे भाई, ठीक है। स्टार्ट डे को क्लास, कोई बात नहीं। हाँ सीखना तो चाहिए, सही है ना, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है क्या बोलूँ। एक मिनट टाइम दे। सटर स्पीड ठीक है, एक मिनट वेट करने का, ठीक है। कौन सा कैमरा है? कैमरा आपका ये है, वीवी 100 है, ठीक है। वीवी 100 है पैनासोनिक का। पैनासोनिक कॉल करके पूछिए सर, कॉल कर पूछ रहा हूँ, हो गया। भाई ये देख रहे यहाँ देखो धुंधला आ रहा है, वो धुंधला क्यों आता है उसका रीजन पूछ रहे हैं, धुंधला का रीजन। फोकस मोड का ऑफ कर देना, ये प्रॉब्लम हो रहा है। फोकस मोड जो है ना ये हटाना पड़ेगा, लिखा हुआ जो एकदम गड़बड़ हो रहा है। ये एमजी टीम से, ये कैमरा वाला काम एमजी टीम से नहीं होगा भाई। अभी नाजी मूड ऑफ हो गया, कोई इशू नहीं है। मूड ऑफ हो गया तो मेरा भी मूड ऑफ हो रहा है, मुझे तो खराब लग रहा है, ठीक है। फोकस मोड ये फोकस मोड जो है ना उसको ऑफ करने के बोला था। ये जैसे ये चलो ये तो मान के ऐसा आ रहा दिख रहा है, जैसे हम चेंज उज करेंगे ना जगह तो अब दिख रहा है आपको, फोटो दिख रहा है, थोड़ा फोटो दिख रहा है, लेकिन भाई ना कि बार बार जो है ना ऑटो फोकस ऑफ कर दें। देखो ऑटो फोकस करें, ऑफ करें ऑटो फोकस। पूछो तो कैमरा कैमरा वाला पूछो ना ऑटो फोकस कहाँ से ऑफ करेंगे, मनोज जी पूछो या बता दीजिए। ये दिख रहा है सर, सर यूट्यूब पे भी लाइव आ जाओ, नोट कीजिए। डार्क मोड में नहीं पढ़ा तो उसमें दिख रहा था, दिख रहा है अब, दिख रहा है डार्क मोड, दिख रहा है इसमें चलेगा बलर है कुछ, ठीक है इतना पढ़ाई हो जाएगा। चलिए आज स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम सुनकर मूड अच्छा था, वो बता रहा है, कोई बात नहीं है। अब दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, यस थोड़ा तो दिख रहा है ना, बहुत जरूरत नहीं है, सही ना, किस मोड़ सही है, आज करवा दीजिए। अब सही है, थोड़ा सा दिख रहा है, चलेगा आज चलने दो। देखो लाइट जैसे तो बोला करो, फिर लाओ वापस वो सेम चीज, अच्छा पता चलेगा हम चेंज किया, दिख रहा है समझाइए, ओके चलिए कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बात सही, मत हो गया आज। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन की थोड़ा और डार्क, टेलीग्राम में लिंक दिया है सर, एक बार देख लो। अच्छा विशाल जी पहले पढ़ा देते हैं आज, आज पढ़ा दो, आज पढ़ा दो ऐसे ही, अभी पढ़ा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। और डार्क कर दो, और डार्क, और डार्क थोड़ा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, थोड़ा और डार्क करें। अब कितना डार्क करें, अब चलेगा, ओके सर सही से दिख रहा है, अब और डार्क मैंने कर दिया है। अरे ठीक है गुरुदेव, साउंड है ना कम हो गया, सही है दिख रहा है, चलेगा इतना पे। चलिए हमारे देखिए क्या करना है, हम लोग को ट्रांसलेशन सीखना है, सही है। और ट्रांसलेशन में क्या है कि सर डार्क मत कीजिए, आज छुट्टी कर दीजिए, ऐसे ठीक नहीं लगा, आज छुट्टी कर दें, छुट्टी तो नहीं करेंगे, सही है, छुट्टी की बात ना करिए, छुट्टी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, मेरी बैंड बज जाएगी भाई। अपने मोबाइल, अपने मोबाइल में देखा ठीक है, मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल में ठीक चल रहा है, चलेगा इतना क्लास हो जाएगी, और 45 मिनट लेट हो गया सर, चलिए कैमरा का मुँह फोड़ दे, अच्छा पढ़ेंगे मुँह फोड़ देंगे कैमरा का मुँह, ठीक है। अभी चलिए क्लास आज करते हैं, हम लोग करते हैं तो आप लोग को सही ना कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में क्या करना है आप लोग को, सही है, ये टाइम एंड टेंस ही बेस्ड है, ये टाइम एंड टेंस बेस्ड है, चलेगा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम एंड टेंस ही बेस्ड है, और टाइम एंड टेंस बेस्ड है तो क्या करना है, देखिए इसमें आप लोग को देखिए ये टाइम एंड टेंस ही बेस्ड है, ट्रांसलेशन जो है अभी हम लोग पढ़ाएंगे वो आपको टाइम एंड टेंस ही बेस्ड होगा, ठीक है। और टाइम एंड टेंस अगर बेस्ड है इसमें हमें करना क्या, देखते हैं, ठीक है। ये जो भी आपका टेंस हम लोग पढ़ेंगे, इनफैक्ट जो भी हम अब तक बचपन से जो भी पढ़ाया ट्रांसलेशन जो भी पढ़ा है, सही है, चाहे वो जिस लैंग्वेज में पढ़ाओ, हिंदी से आपका है, सही है, चाहे हिंदी से इंग्लिश में क्या हो, या आपको ठीक है, या आपका देखो ध्यान से किसी भी लैंग्वेज से, चाहे आपका बांग्ला से आपको क्या क्या हो, हिंदी इंग्लिश में आओ, या आपका उड़िया से, किसी भी भाषा से इंग्लिश में आते हैं, तो आपको क्या है ना कि पहला जो टॉपिक है वो आपका टाइम एंड टेंस ही है, ठीक है। और इसी से हम लोग अनुमान सीखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, उसका क्या वजह है समझ लीजिए, समझ लेने की क्या बात है, देखिए ये जो आपका है टाइम एंड टेंस, ठीक है, हम जानते हैं कि टाइम जो है ना, टाइम ये टाइम जो है हमारा, सही है, ये हमको क्या बताता है, ये आपको किसी भी इवेंट या एक्शन, सही है, किसी भी और इवेंट या एक्शन को दर्शाने का एक कह सकते हैं कि ये जो है पल, ठीक है, मोमेंट को दिखाता है, लेकिन उस मोमेंट को दर्शाने के लिए, सही है, उस मोमेंट को दर्शाने के लिए किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में टेंस को पढ़ना जरूरी है, और टेंस को पढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम है आपका वर्ब, ठीक है। टेंस को पढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम है वर्ब, क्या देगा, वर्ब के बिना आप टेंस नहीं पढ़ सकते हो, और आपको टेंस, ठीक है, टेंस को पढ़ने के लिए वर्ब चाहिए, और आपको टाइम को दर्शाने के लिए टेंस चाहिए, टाइम को दर्शाने के लिए टेंस की जरूरत पड़ती है, टाइम को दर्शाने के लिए टेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बोले, ठीक है, अगर आप कुछ भी बोले, जैसे सपोज कीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है आपको सेंटेंस, देखिए ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये अगर लिखा हुआ कि मैं जा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप एक चीज देख लो कि इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, ज्यादा समझिएगा, आप अगर लिखते हो कि आई, ठीक है, और साथ में जो रहा हूँ लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे इसके साथ एम, ठीक है, और जो जाना है, जो आपको जाना वर्ब है, देखो ना जाना, तो इसके
भी हम यूज करते हैं क्या गो और गो का कन्फर्म लेंगे तो हम लोग गो के साथ आईएनजी लगा देंगे ठीक है इससे दो बातें ध्यान समझिएगा ये पहला बात ये आती है कि ये जो है जो कि हिंदी में ठीक है हिंदी में रहा रहा हूं दिया है ठीक है रहा हूं दिया है तो इससे ये पता चलता है कि ये आपका प्रेजेंट ठीक है प्रेजेंट टेंस ये आपका प्रेजेंट टेंस ये तो है ठीक है ये तो आपको है साथ ही साथ ध्यान समझिएगा साथ ही साथ ये भी बता रहा है सही है ये भी बता रहा है कि ये चीज आपका फ्यूचर में भी जा सकता है ये चीज आपको फ्यूचर में भी जा सकता है दैट इज कि ये स्टेटमेंट से आपको ये भी पता चल जा रहा है कि ये जो है ये फ्यूचर का भी एक्शन हो सकता है ये फ्यूचर का भी एक्शन हो सकता है ठीक है ये फ्यूचर का भी एक्शन हो सकता है दैट इज कि आपका क्या ना कि अगर कोई स्टेटमेंट है एक स्टेटमेंट है तो हो सकता है कि उससे सिर्फ आपका ध्यान समझिएगा उससे सिर्फ आपका एक टाइम का बोध हो ठीक है एक टाइम का बोध हो लेकिन अगर वर्ब के सही है वर्ब के सही नॉलेज और टेंस के सही नॉलेज हो तो आपको बता दें उससे ये भी फील हो जाएगा कि वो टाइम जो है एक ही नहीं दो दो टाइम भी बता सकता है दो दो समय बता सकता है जैसे इस सेंटेंस से आपका ये पता चला कि ये प्रेजेंट है सही है प्रेजेंट टेंस में है लेकिन एक और चीज पता चलता है कि ये आपका फ्यूचर का भी अभिव्यक्ति है ये आपको समय फ्यूचर का भी बता रहा है ठीक है दोनों हो सकता है इसलिए टाइम अगर बात करें ना तो टाइम एक सिंगल कॉन्सेप्ट होता है टाइम जो है सिंगल कॉन्सेप्ट को दिखाता है लेकिन टेंस जो है अपने अंदर टाइम का दोनों कॉन्सेप्ट लेके जा सकता है टाइम का दो कॉन्सेप्ट को लेके जा सकता है ठीक है टाइम का दो कॉन्सेप्ट अपने अंदर नहीं रख सकता है जैसे आपको बता दें कि हम लोग पढ़ेंगे जब उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका टेंस एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका जो आपका वर्तमान में कोई काम हो रहा है उसको तो दर्शाने के लिए यूज करते ही है साथ में अगर कोई फिक्स प्लान हो या प्रोग्राम हो तो उसको भी दर्शाने के लिए यूज करते हैं अगर वो फ्यूचर का भी है तो ठीक है अगर वो फ्यूचर का भी है तो भी उसके लिए यूज करते हैं तो ये आपका टाइम और टेंस का छोटा सा अंतर है कि टेंस से सही है टेंस से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि कोई भी एक्शन या इवेंट वो प्रेजेंट का है पास्ट का या फ्यूचर का लेकिन सॉरी टाइम से सिर्फ इतना पता चलता है कि कोई भी एक्शन जो है वो आपका सही है प्रेजेंट का है या आपका पास्ट का या फ्यूचर का लेकिन टेंस जो है ना अपने अंदर दोनों हो सकता है कि एक सेंटेंस से आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बता दें ठीक है दोनों को आपका एक्सप्रेशन बता सकता है साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि टेंस जो है वो डिसाइड करता है टाइम को टेंस डिसाइड करता है टाइम को ये एकदम याद रखना है और अगर आपसे पूछा जाए कि टेंस को कौन डिसाइड करता है तो आप बताइएगा कि सर टेंस को डिसाइड करने वाला वर्ब होता है ठीक है टेंस को डिसाइड करने वाला कौन होता है वर्ब होता है ठीक है ये आपका बेसिक पॉइंट है ये दिमाग रखना है ओके चलते हैं हम लोग आगे बढ़े और आगे आप जानते हैं हम लोग कि वर्ब जो है ना वर्ब के बिना आपका टेंस नहीं हो सकता है वर्ब के बिना आपका टेंस कभी भी हो ही नहीं सकता है याद रखिएगा वर्ब जो है वो डिसाइड करता है किसको वर्ब जो है वो डिसाइड करता है टाइम को और टाइम सॉरी ये जो है टेंस को डिसाइड करता है और टेंस जो डिसाइड करके बताता है वो है आपका टाइम याद रखिएगा जो वर्ब है वो आपको दिखाता है किसको याद रखिएगा वर्ब जो है वो आपको डिसाइड करता है टेंस को और टेंस को सही ना टेंस का काम है कि वो टाइम को दर्शाए ठीक है ये दिमाग रखिएगा तो आपको स्पेशल रूप से याद रखना होगा कि वर्ब के बिना हम टेंस नहीं पढ़ सकते ठीक है और टाइम को अगर जानना है ना टाइम को तो वो टेंस के बिना नहीं जान सकते ये आपका कोरिलेशन है ये आप स्पष्ट रूप से जानिए ठीक है सब लोग हो रहा है तो लिखो भाई ऐसा लगा मुझे भाग्य सर ठीक है ये आपको दिमाग रखना है तो हमने क्या किया है कि इसको आपको पढ़ा दिया पहले वर्ब को पहले ही पढ़ा दिया वर्ब को इतना पढ़ा दिया है ठीक है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है वर्ब को इतना पढ़ा दिया कि आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है याद रखिएगा इतना आपने पढ़ लिया ये याद रखिएगा देखो इसका सेकंड वीडियो नहीं आने वाला कि मैं फिर से पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं होगा इसे प्रेजेंट टेंस सुनिए तो ये आप डाल लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि सर टेंस पढ़ना है मुझे क्या चाहिए तो टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ब चाहिए और टेंस का क्या काम है वो टाइम का डिसाइडर है ये हो सकता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर को भी बता दे फ्यूचर को भी टाइम को बता सकता है इसलिए टेंस जो है डिसाइडर है किसका टाइम का याद रखिएगा ये रिलेशन है दोनों का एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए ठीक है चलिए सोम सिंह क्वेश्चन मार्क दिया क्या बोले सोम सिंह क्वेश्चन मार्क भाई सोम सिंह क्वेश्चन मार्क क्या आपका आज का तो कैमरा जो है ना सेटिंग कर रहा है भाई थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा बियर विद मी सही है बियर विद मी देखो ये फ्रेज लगा है इसको याद कर लेना बियर विद सही है बियर विद मींस होता है सहना याद रखिएगा पेशेंटली सहना धैर्य के साथ सहना ये याद रखिएगा धैर्य के साथ सहना इसको आपको आज आपको करना होगा धैर्य के साथ सहना ठीक है धैर्य के साथ सहना आपको आप लोग एकदम जान लो सीधा से धैर्य के साथ सहना आपको ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट ऐसा देखते हैं अगला जो है ये ध्यान देना है कि अगर आपने ये पढ़ लिया सही है अगर आपने ये पढ़ लिया कोई भी इमोजी सेंड करने पर क्वेश्चन मार्क चला जाता है अच्छा ठीक है सर आप पढ़ा ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग क्या करते हैं कि टेंस को देखते हैं बारीकियों को बनाएंगे अभी हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे आपको सारा पीडीएफ अच्छा पीडीएफ मिलेगा परेशान नहीं होना सब टाइम टेंस का आपको दिया हुआ है देखिए ये जो आपका टेंस है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका प्रेजेंट है सही है चाहे आपका पास्ट है या आपका फ्यूचर टेंस है ये चारों टेंस की बात करें तो देखिए ये जो है ना ये आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जितना भी टेंस है सब में आपको जैसे यहाँ क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर इसकी बात करें और अगर आप उसके बाद अगर बात करें चार टेंस हम लोग पढ़ते हैं ठीक है उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले और साथ में हम क्या बोलते हैं आपको बताइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसे हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस ठीक है इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं और इसे भी हम बोलते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट इसे भी बोलते हैं ये देखो इसका नामकरण में ये भी आता चक्कर और आपका एक और जो है ना उसको बात करेंगे ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट भी आती है टेंस ये सब आप मिलने पीडीएफ में लिखने की जरूरत नहीं है नंबर चार पे आपका देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपका देखिए ये आपका चार टेंस है और ये अगर चार टेंस है तो अगर प्रेजेंट टेंस में चाह रहे ना तो साइमल्टेनियसली ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज कर दें अच्छा सर मोटा लिखना अच्छा ब्राइटनेस इंक्रीज अब तो सब सेटिंग ही खराब हो गया अब तो मेरे को टेंशन इतना बढ़ा दिया तुम लोग मेरे भाई मैं क्या कहूँ अब कुछ नहीं हो सकता जितना पता चला तो मेरे भाई ठीक है सर सही है रोल बढ़ा दें आज बहुत दिन बाद लाइव क्लास कर पाई हूँ शिवानी लेकिन आई पहले दिन आपको हो गया आज ब्राइटनेस का चक्कर है सही है अभी इतना ठीक है भाई पढ़ ले सही है जितने लोगों पढ़ लो थोड़ा सा अच्छा लगेगा साउंड अभी साउंड तो सही है तो ये आप देखो चार टेंस है और जितने भी पहला सुनिए आज सही ना अच्छा सुनिए आपको जितने भी टेंस है ना आपका चाहे प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है इस चारों में देखो ये जो है ना हर एक टेंस में प्रेजेंट हो तो उसमें चार पार्ट और जिस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम स्टाइल में आपका पास्ट क्या होगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट सेम स्टाइल में आपको प्रेजेंट हो पास्ट हो या फ्यूचर हो चारों में ठीक है ये आप देख लो ये चार आपको सबके सब में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सभी टेंस का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है एप्लीकेशन कि हम इसका यूज कहां करते हैं ठीक है और स्ट्रक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट है आज आप लोग इसे देखेंगे फोन करके ब्राइटनेस बढ़ा लें इससे अच्छा दिखेगा अच्छा सर 650 आए सर सबको बोलो कि आप अपने फोन का ब्राइटनेस बढ़ा लें सही है तो आप अपना फोन का ना ब्राइटनेस बढ़ा लो थोड़ा सा सब लोग अपना फोन का देखो ब्राइटनेस बढ़ा लो देखिए भाई अपना फोन का ब्राइटनेस हाँ थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लो अपने फोन का ठीक हो जाएगा चलिए तो अभी जाना देखते हैं सर आगे बढ़ते हैं क्या पढ़ना है देखते हैं
अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सही है, यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बिना टाइम गवाए हुए, मैं मोटा ही लिख रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा, आज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, सही है, ये वाली जो दूसरी वाली है, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। फोन पे करके प्रैक्टिस कराने से ओके भाई, आज यूट्यूब क्लास नहीं होगी सर, आज क्लास नहीं लेंगे, अब पहले इसको ठीक करें तभी क्लास होगा, सही है। चलिए देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या सोचा समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, अगर मैं जितने भी टेंस पढ़ूंगा उसमें देखिए ध्यान सुनेंगे कि जितना भी टेंस है उसमें आपको कितना स्ट्रक्चर लेंगे सुनेंगे, जितना भी टेंस है हम जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस सही ना जिस अगर हिंदी के वाक्य में, हिंदी के वाक्य में जिसके अंत में क्या क्या रहेगा सुनेगा, ता है, ठीक है, ता है, ती है, याद होगा आपको, ते है, क्योंकि ट्रांसलेशन के साथ में ता है, ती है, ते है, बस समझ लो, ते है, ये याद रखेंगे, साथ में आपको देख लो मैं ये भी लिख रहा हूँ, ते है, बस करो, ते है, ये देखो दो लिखे, ये जो आपको लिखा है ना हमने दो बार लिखा है, एक हमने लिखा है और हिंदी में एक है आपको है, ये दोनों में अंतर समझते हो, ये दोनों में अंतर क्या होता है, सही है, ये पहले देख लो, तब बताएंगे विकास डिफिनिट क्यों करते हैं, बता देंगे डिफिनिट क्यों करते हैं, बता देंगे, पहले आप इसको समझो, एमजी वाला को पटना वाला, मुझे ठीक करना पड़ेगा, समझे, कैमरा ऑफ कर, ऑन करें, सही हो जाएगा, राहुल राज, कैमरा ऑफ करके ऑन कर लें, देखते हैं बच्चे का एक बार, मान लेते हैं क्लास में गायब हो जाए मेरे भाई, F4 है, दिख रहा थोड़ा, अब बताओ भाई कैसा लग रहा, आज चलने दीजिए कल से सही कर ले, अब देखो सही है थोड़ा सा, आज चलने दीजिए, सब क्लियर दिख रहा है सर, थोड़ा प्रॉब्लम है तो क्लास होने के बाद, प्रॉब्लम क्या है सर जी, सब तो ठीक है, वैसे भी नेट इशू रहती है, कौन सा बुरा और बैड हो गया सर, यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या से क्या हो जाता है, और बैड हो गया, ये सही है, पीछे का वायर चेक कर लो, लूज कनेक्शन है, मैं तो सब कुछ चेक कर लिया हूँ लोग, नहीं सब कुछ सही है, भाई दिख तो रहा है मुझे, सही है, आप लोग दिख रहा है या नहीं, ऐसे करो तो क्लास छोड़ देंगे सर, आप तो पढ़ाओ, अरे भाई सब इतना आप कमेंट क्यों देखते हैं सर, चलिए ठीक है, इतना क्लास चलेगी, दिख रही है वीडियो में, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, और साथ में मिल गया दो वाली लिखा हूं, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, ठीक है, और सही है, और क्या आपका है का, दोनों का आप देख लें, ये दोनों का आप देख लो कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा कि हिंदी में जब भी आपको ये वाला मिले ना, ये वाला, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब और साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट, सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसका बोधक हो जाता है, ये सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, सही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, मुझे तो दिखाई दे रहा है भाई, क्लास ऑफ कर दें, आप लोग क्या करना, क्लास ऑफ कर दें, क्या चाहते हो बोलो, क्लास ऑफ कर देंगे, मैं तो क्लास कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्या हुआ F2.2 है, डीवी बताओ, ये फोकस जो है इसका फोकस ऑफ करना, जैसे हम सामने आते हैं गड़बड़ हो जाते हैं, जी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर आज का काम चल सकता है, चलो वो जहाँ जैसे था ना वैसे कर दो, तो रहने दो अब, ठीक है कितना पे रहने दो, छोड़ दो, रहने दो क्लास छोड़ देता है, चलो सही है, हाँ रहने दो, सात तो ऐसे ही बच गया, ठीक है रह दो, उसे ज़्यादा निकलो, हाँ रह दो, हाँ काफ़ी है, छोड़ देना, चलिए तो ये आप देखिए, ये जो है ना क्लास आज का बहुत खराब रहा, मुझे भी पता है, क्लियर ऑफ कर के ये सब छोड़िए, ये आपका जो है हिंदी में आपको याद रखना है कि हिंदी में जो ये ना ये वाली ये आपका जो है ना ये आप पुलर, सही है, ये पुलर वर्ब का बोधक है, पुलर वर्ब यूज करते हैं और ये पुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, ये आप अंदर एकदम याद रखेगा, दोनों में बेहतर ये है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे आपको, ठीक है, आगे क्या है सो देखिए, ये जो कहानी है इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है जिसके अंत में, फिर मैं रिपीट करता हूं, जिसके अंत में अगर ये अगर लिखा हुआ है, ध्यान समझेंगे कि ता है, ती है, ते है और ते है, इनमें क्या डिफरेंस है, देखें क्यों हमने लिखा, तो इसका डिफरेंस ये वजह से सुनिएगा, अगर लिखा हुआ है कि तुम, सही है ना, वे ऐसा लिखा हुआ है, इसी का लिखा हुआ इस टाइप से, वे अगर लिखा हुआ वे जाते हैं, ठीक है, वे जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, वे जाते हैं, ठीक है, वे जाते हैं,
तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ हुए चाहते हैं नहीं ठीक है जब लिख नहीं सकते तो क्यों दिख रहे हैं सही है सब ठीक ही जाएगा पढ़ने में मजा नहीं आएगा चलिए ये आपको देखो ध्यान से देखते हैं अगर ये लिखा हुआ है वे जाते हैं ठीक है वो वे जाते हैं अगर लिखा हुआ है तो देखिए क्या लिखा ये मैंने है दिया ये बुंद का भी है साथ में देख लीजिए आपको अच्छी तरह से ये बुंद का भी होगा साथ में इसके बिना काम नहीं चलता अब देखते मैं लिख रहा हूँ ध्यान समझेगा ये लिखा हुआ कि बच्चे सही है बच्चे अगर लिखा हुआ है बच्चे यहाँ भी बुंद देना होगा बच्चे पढ़ते हैं ठीक है बच्चे पढ़ते हैं तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपका अगर है लिखा तो गलत है यहाँ भी बुंद होगा ठीक है ये भी जान लीजिए अच्छी तरह से तो नहीं सर जो है वो आप कैमरा का ऑटो फोकस सही नहीं है लीजिए प्लेस इट अच्छा मजा नहीं आ रहा आज क्लास नहीं लेंगे छोड़ दो भाई मैं बोल देता हूँ टीम को क्लास नहीं होगी ठीक है क्लास कॉल कर दिया मैंने सब ठीक है दिख रहा है तो इतना परेशान है सब लोग परेशान कर दिया अच्छा है सर सोनी का ले लो अच्छा प्लीज कंटिन्यू चलिए देखो ये वे जाते हैं बच्चे पढ़ते हैं क्लास ऐसे भी खराब हो चुका है इसको मैं बंद ही कर देता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है प्लीज करते हैं क्लास